आज का जो ध्रुपद का जो कार्यक्रम है, आज हमारे कार्यक्रम में जो देश के जाने माने ध्रुपद गायक हैं, जिसमें बासमुद्दीन डागर साहब हैं, डॉक्टर मधुभट तेलंग हैं जो जयपुर से आई हैं, और श्री ब्रजभूषण गोस्वामी जी हैं, वो अपना दिल्ली आकाशवाणी से आए, और उस्ताद बहाउद्दीन डागर वो हैं। तो हमारी चार प्रस्तुतियां हैं, और क्योंकि और हमारे शेखर सेन जी जो कि पद्मश्री मिला हुआ है, और वो दिल्ली एकेडमी के चेयरमैन हैं, वो आज के हमारे इनॉग्रेट करेंगे कार्यक्रम को। हमारे चीफ गेस्ट श्री सुरेश चतुर्वेदी जी हैं और अलका चतुर्वेदी जी, गेस्ट ऑफ ऑनर श्री राजेश दमानी जी हैं। ये हमारा आज का कार्यक्रम है। पिछले साल क्या तैयारियाँ रही इस बार क्या नया होने जी। हमारा समन्वय जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, पिछले 10 साल से इस तरह के आयोजन कर रहा है, लेकिन ये जो ध्रुपद समारोह है, ये पहली बार इस तरह का 2 दिन का कार्यक्रम कर रहा है। और क्योंकि 2 दिन इस तरह के आयोजन को करना, ये बहुत ही कठिन होता है, और भगवान की कृपा से, क्योंकि हमें सभी का सहयोग मिल रहा है, भक्ति कला क्षेत्र, और इसके अलावा जो है हमें जोन कल्चरल सेंटर उदयपुर, उन्होंने जो हमें सहयोग दिया है, और हमारा ट्रस्ट, ये तीनों मिलकर, और जो यहाँ के इस्कॉन मंदिर के जो श्री सूरदास जी महाप्रभु जी, उनके आशीर्वाद से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि हम हर साल ये ध्रुपद का आयोजन करें, और क्योंकि ऐसे समय में जो ध्रुपद गायकी के द्वारा सारी जितनी भी गायन शैली हैं, वो सब ध्रुपद से निकली हैं, ख्याल, ठुमरी, तो कम से कम ये सब लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ध्रुपद क्या है, तो उस गायकी को हम आगे बढ़ाने के लिए इस तरह का आयोजन कर रहे हैं। इसके लिए हम, क्योंकि जो हमारी सेलिब्रिटी है, जो फिल्म के माध्यम से, उसके माध्यम से हम इसको जो है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि लोगों तक वो किस तरह से पहुँचे, यही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। और चलिए, बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि मुंबई में आयोजित हो रहे ध्रुपद महोत्सव का एक छोटा सा अंश बनने का मुझे अवसर मिल रहा है। ध्रुपद भारतीय संगीत का आधार है, जैसा कि ध्रुव शब्द से ही स्पष्ट है कि जो अचल है, अटल है, और इसलिए जितनी भी भारतीय संगीत की धाराएं हैं, उन धाराओं की जो गंगोत्री है वो ध्रुपद से शुरू होती है। आज जब हम अपनी पुरानी विरासत को देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पूर्वज किस तरह का संगीत गाते थे, तो उत्तर भारत में विशेष तौर पर केवल ध्रुपद और धमार ही ऐसी परंपरा है जो हमें ये बता पाती है कि आज से 500 वर्ष पहले, 600 वर्ष पहले, 700 वर्ष पहले किस तरह का संगीत भारत में प्रचलित था। और ये संगीत दरअसल मनोरंजन के लिए नहीं था, ये आत्मरंजन के लिए था, आत्मा के उत्थान के लिए था, और इसलिए हर मंदिर में पूरे भारतीय समाज की आध्यात्मिक उन्नति के लिए ध्रुपद का गायन होता था। और ये हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि इतने वर्षों के बाद भी हमारी ये धरोहर अक्षुण्ण है, परंतु जैसा कि होता है कि हर महान चीज़ को संरक्षण की भी आवश्यकता होती है, संवर्धन की भी आवश्यकता होती है, तो मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ें, ध्रुपद से प्यार करें और ध्रुपद की गायकी को
सीखें और उसको प्रचारित प्रसारित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम शेखर सेन है और इस समय मैं राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी का अध्यक्ष हूँ दिल्ली में। और जितनी भी प्रदर्श कलाएँ हैं, जो जितने भी हमारे परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म्स हैं, उनके संवर्धन और उसके संचयन की जिम्मेदारी संगीत नाटक अकादमी की है। और आज का ये आयोजन, इसमें यद्यपि संगीत नाटक अकादमी हम प्रत्यक्ष रूप से न जुड़ते हुए भी जितनी भी संस्थाओं का इसमें समावेश है, वे सभी कहीं ना कहीं हमसे जुड़ी हुई हैं, चाहे वो वेस्टर्न कल्चरल जो जोन हो, चाहे भक्ति कला क्षेत्र इस्कॉन टेंपल हो, और या फिर पंडित सुखदेव चतुर्वेदी जी की संस्था समन्वय हो, और जितने भी हम लोग जुड़े हैं उनसे, वो इसी कारण से जुड़े हैं कि हम सब हृदय से कहीं ना कहीं ध्रुपद से भी जुड़े हैं, और इसलिए ध्रुपद महोत्सव से हम सब आकर जुड़ गए हैं। मेरा नाम सुरेश चतुर्वेदी है। चतुर्वेदी के नाम से आप पता लगा सकते हैं कि मैं मथुरा से बिलोंग करता हूँ। जैसे शेखर सेन जी ने कहा कि हम लोग ब्रज के लोग हैं, और ध्रुपद गायन जो है मंदिरों का गायन था, और ये एक तरह से संगीत की आत्मा है, क्योंकि आज चाहे मॉडर्न संगीत हो चाहे आधुनिक हो, उसमें सब में जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो उसका सोल जिसको बोलते हैं, वो शास्त्रीय संगीत है, और ध्रुपद उसकी एक आत्मा है। और ये आत्मा ब्रज से स्वामी हरदास और जितने भी पुराने मंदिर संस्कृति के लोग हैं तो वो गाते रहे हैं। तो मथुरा के होने के नाते और ब्रज के होने के नाते सुखदेव जी ने ये जो एक संकल्प लिया है कि माँ बाप को मत भूलो, और ये संगीत की माँ बाप है, संगीत की आत्मा है ध्रुपद, तो इसको भी हम ध्यान रखें, क्योंकि यदि जड़ी खत्म हो जाएगी तो फिर उसका जो अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए हम सब लोग उद्योग जगत से भी होके इसमें साथ में जुड़ रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि मूल चीज़ हमेशा बनी रहनी चाहिए, और उसी के लिए हम लोग सब साथ में, और बहुत उत्साहित हैं कि इतने लोग, और शेखर सेन जी खुद जो कि एक जाने माने कलाकार हैं और आज बड़ी बड़ी जगह पर रखे हुए हैं, ये भी खुद आए, इनकी सीरियसनेस आपको देखते हैं इससे, तो हम लोगों को बहुत प्रसन्नता है कि हम सब इसके साथ जुड़े हुए हैं और ये आगे बढ़े। और लोगों को महत्व रहे कि माँ बाप को भी जाने, मतलब आधुनिक संगीत को तो देख ही रहे हैं, लेकिन वो सब आता यहाँ से है, तो इसके लिए हम सब साथ हैं। आई थिंक सोशल मीडिया से उसका प्रचार करना चाहिए, और आप लोगों की मदद होगी जर्नलिस्टों की, तो इसके लिए लाइकिंग बढ़ेगी लोगों को। एक्चुअली जैसे मेरे को ध्रुपद के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो अभी आज मैं जाकर के सुनूंगी कि ध्रुपद क्या है, क्योंकि इसको प्रमोट ही नहीं किया गया है। तो अभी हम लोग कोई प्रोग्राम ही नहीं हुए, तो जब ये मोर प्रोग्राम होंगे और हमारे को इसकी नॉलेज मिलेगी, तभी हमारे पास इसकी लाइकिंग डेवलप होगी। शेखर सर, मैं आपसे बात करना चाहूँगी, इस तरीके के इवेंट्स बहुत कम होते हैं, बहुत आमतौर तो पर ऐसे इवेंट्स से माहौल से देखे जा सकते हैं, तो कितनी ज़्यादा जरूरत है जागरूकता की, और सिर्फ इवेंट्स के थ्रू? दरअसल इवेंट्स तो होते हैं, हम लोग, मैं अगर संगीत नाटक अकादमी की बात करूँ तो दिल्ली में हमने अभी किया, हमने वर्धा में एक किया, एक गया में हमने किया, लेकिन देश हमारा बहुत बड़ा है, और बड़े देश में जिम्मेदारियाँ बड़ी हो जाती हैं, दायित्व बड़े हो जाते हैं। लेकिन जैसा कि सुरेश जी ने भी अभी कहा, ये हमारा संगीत आध्यात्म की ओर ले जाने वाला संगीत, आधुनिक जो कुछ भी है वो सब कुछ अच्छा है, पर इतना याद रखिएगा कि जब तक जड़ों को पानी नहीं देंगे, न उस पेड़ में फल होंगे, न फूल होंगे, और न पत्तियां होंगी। तो आज का ये आयोजन जो है वो जड़ों को पानी देने का आयोजन है, और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपनी जड़ों को सूखने न दें और लगातार इसको संवर्धित करते रहें। हम लोगों का जहाँ तक काम है, एक तो हम लोग मथुरा और ब्रज से जुड़े हुए हैं, इसलिए सांस्कृतिक हम लोगों का बहुत जिम्मेदारी होती है। दूसरा, आजकल बिना आर्थिक से कुछ नहीं होता, तो इसलिए सवाल ये उठता है कि जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है वो भी इन स्पॉन्सरों में, इस सिचुएशन में साथ में लग के, एक छोटा सा काम था कि हमारे पुराने कवि जिनकी कोई पोजीशन नहीं थी, कोई समझता नहीं था, जब शेखर सेन जी ने चालू किया कवि सूरदास, मैं देखने नहीं गया, मैं आपको अपनी पोजीशन बता दूं, मैंने कहा क्या बोरिंग होगी,
मैं जो है क्या देखने जाऊंगा। लेकिन जिस तरह से आज के युग के हिसाब से इन्होंने सोलो, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि एक प्रोग्राम इतना सोलो कोई रख सकता है, तो जब इन्होंने किया, आज कितने शो हो गए शेखर सेन जी के, तकरीबन काउंटिंग 950 शो हो गए। तो यही मैं इनको शुभकामना देता हूँ साथ में रख के, कि आप उसको इस तरह से इन्वॉल्व करें हम सब लोगों को जिस तरह से हम आ रहे हैं, कि जो आज शेखर सेन जी ने हमारे सूरदास तुलसीदास और पुराने संतों को अब इतना फेमस कर दिया है कि हमने जो हम पूछा कबीरदास का है तो सोचोगे कोई पेड़ पर रहने वाला जंगल में कोई जो है बंदर बंदर होगा, आज वो जो है इतना फेमस हो गए सबको मालूम पड़ता है। इसी तरह से जैसे मेरी पत्नी ने कहा कि ध्रुपद और उसको हम सब लेके आएंगे, तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगा कि ये बर्गर नहीं है, ये स्लो है लेकिन बहुत ही आध्यात्मिक और बहुत नेचुरल, बिकॉज ये पूरा म्यूजिक का एवोल्यूशन होता है किसी चीज का। तो ये नेचुरल बर्ड से, सी के वाटर से, पानी से, ये सब जब नेचुरल धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती हैं तो वो म्यूजिक का शेप लेता है। म्यूजिक कोई कहीं और से नहीं आया, नेचर से ही आया है। तो ध्रुपद इज़ द नेक्स्ट स्टेज, कि वो नेचर से नेक्स्ट स्टेज लेके ध्रुपद पे आया, ध्रुपद से अब मॉडर्न पे हो गया, अब वो बर्गर हो गया। उसका बेसिक तो वही है, गेहूँ ही है, अब उसका कटलेट बनाइएगा या उसके जो है पिज्ज़ा खाइएगा, लेकिन उसका बेसिक जो है वो ध्रुपद ही है और बेसिक उसका ही है। तो जब तक लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा, जब तक यंग जनरेशन बैठ कर सुनेगी नहीं, तब तक उसको मजा, लेकिन एक बार जब आप आ गए तो फिर आप बाहर नहीं निकल सकते। वी आर ऑलवेज वेरी हैप्पी टू प्रेजेंट समथिंग वेरी एंशियंट, दैट्स व्हाट भक्ति कला क्षेत्र इज नोन फॉर, एंड वी वुड लाइक टू कीप द ट्रेडिशन अलाइव इन इंडिया। वी डोंट वांट टू सी दैट समथिंग क्रॉप्स अप व्हिच इज नॉट बिलोंगिंग टू अस, एंड That's what Prabhupada ji stands for. Prabhupada ji was the founder acharya of this Bhakti Kala Kshetra, who kept in mind that we have to see that the young generation gets motivated to listen not the trash but the real music. That real music means which can take us beyond mind, body and senses. But at the present moment people are engrossed on a sensual platform. So we would like to take them to the transcendental platform. And when we are presenting this wonderful festival of Drupad, it goes back to the ages. And ages like Tansen, who used to sing and there used to be rain. Okay? And now when people sing, who comes? So that you have to judge. I will not be able to judge on this line when people are able to hear. So that's our dharohar, wo hamari sampati hai. और उस संपत्ति को हम फिर से वापस लाना चाहते हैं, उसको प्रमोट करना चाहते हैं। ये हमारी शुरुआत है, हमारी त्रुटियों को न देखें, हमारे प्रयास को देखिए, यही हमारा निवेदन है आपसे। द म्यूजिक विच कम्स फ्रॉम द हार्ट फॉर प्लीजिंग द लॉर्ड, दैट इज एन एब्सोल्यूट म्यूजिक, रेस्ट एवरीथिंग इज डिस्ट्रैक्शन। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं इतना खुश हूँ कि आज जो मेरा सपना था वो साकार हो रहा है। मैं पिछले 20-22 साल से ये सोच रहा हूँ कि ये ध्रुपद समारोह मुझे करना है। बॉम्बे में हम रहते हैं तो कम से कम ये एक पहचान होनी चाहिए कि ध्रुपद समारोह पूरे इंडिया में सब जगह फेमस होना चाहिए। ये हमारा सपना साकार किया है, और श्री सुरेश चतुर्वेदी जी के माध्यम से, मैं श्री सूरदास जी के, प्रभु जी के माध्यम से, इनके आशीर्वाद से, और जोन कल्चरल सेंटर जो हमें जिसने ये सहयोग दिया, मैं उनका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ। ये तो बस कुछ ईश्वर की कृपा होती है कि जिसके भाग्य में कुछ यश मिलना होता है। श्री शेखर सेन जी हमारे बीच में आज हैं, ये भी मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इन्होंने जो है इस निमंत्रण को स्वीकार किया और इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए अपना जो समय दिया है। सुखदेव जी ने जो मूवमेंट चालू किया है उसमें जिन विभूतियों का सपोर्ट मिल रहा है तो इस बात का प्रतीक है कि इन्होंने संकल्प लिया है वो तो आगे जाके बहुत
बम्बई में बहुत अच्छी तरह से प्रसारित होगा। उनका संकल्प यह है कि हम हर साल दुर्गा महोत्सव को और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से मनाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी पुरानी इस विधा से जुड़ें। आज जो लोग भूलते जा रहे हैं इस विधा को, उस विधा को हम अपनी नई जनरेशन तक भी इस माध्यम से पहुंचाएं, कि उनको भी लगे कि हमारी पुरानी विधा भी उतनी ही इंटरेस्टेड है जितनी कि आजकल की जो फोक म्यूजिक या दूसरी म्यूजिक हैं। ये सब मूल वहीं है, वहीं से निकला है संगीत, वहीं से निकला है। तो बच्चों को भी इसका ज्ञान हो कि हमारी पुरानी जो चीज़ें हैं वही बहुत अच्छी हैं और उन्हीं से सब चीज़ें निकली हैं। आपने बार बार एक सवाल किया है आधुनिक संगीत और पुराना संगीत। दरअसल संगीत संगीत है। संगीत में जो संग इसलिए शब्द आया है कि जब तक उसके अंदर सद्भावना ना हो, जब तक उसके अंदर आध्यात्मिक तत्व ना हो। कम शब्दों में कहूँगा कि आधुनिक संगीत भी अच्छा है, पर आधुनिक संगीत सुनते हुए आपके पांव नाचने लगते हैं, पर जो आध्यात्मिक संगीत होता है उसको सुन करके आपका सर नाचने लगता है। बस इतना फ़र्क है। तो इसलिए जैसे कि अब जब शेरशाह सिंह जी ने बात कही है, हमारे सूरदास जी ने भी कहा कि जिससे आत्मा को तृप्ति हो वो रियल संगीत है, तो आधुनिक संगीत को भी ऑल द बेस्ट। और हमारे पंडित सुखदेव जी ने जो चालू किया है वो चालू रहे, और हर एक तरह से जैसे आपने अच्छा मैसेज दिया कि इनके तमाम बड़े बड़े लोग शिष्य हैं, वो भी लोग इससे इन्वॉल्व हैं और ये संगीत सामने आए, यही हमारी शक्ति है। शुभ काम है। माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द मीडिया पीपल इज प्लीज बी काइंड अपॉन दिस फेस्टिवल, बिकॉज विदाउट योर सपोर्ट our endeavor cannot be successful, and especially this harsh world where everything is dominated quote unquote by Bollywood, I would like to humbly request that you cover, even if it's in a faulty endeavor, but just highlight it so much that people come to know the whole world. And that's my humble request. As I said in my beginning, pehle hi maine apne waqtav mein ye bataya ki हमारी त्रुटियां बहुत हो सकती हैं, मगर ये हमारी शुरुआत है और हम इसको ऐसे शिखर पे लेके जाएंगे जिससे कि आप सब भी याद करेंगे। नेक्स्ट ईयर का जो द्रुपद फेस्टिवल होगा, इट विल बी समथिंग वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट, एंड यू विल सी इट, एंड विल वी आर ट्राइंग टू कंटेम्पलेट इट, बिकॉज दिस इज एन एंथुजियाज्म कम फ्रॉम मैनी पीपल। शेखर भाई इज हियर, ही इज एन यू नो द चेयरमैन ऑफ आवर academy in Delhi. Not only that, but he has been promoter of that music which touches your soul. So like-minded people will get together more when they come to know that we are doing some endeavor here, and we would like to see that they come to this platform with humbly, like Akbar the Great. Yes. Went to meet Haridas ji to see who is this person who is singing this wonderful, kyunki unke shishya ka दर्शन करने से ही अकबर के हृदय में कुछ हो गया कि मैं जरा हरिदास को देखने जाऊं। तो ऐसे ही एक हमारा छोटा सा एंडेवर है, जब पूरा विश्व जानने का कि ये हमारा एंडेवर कौन कर रहा है, वी वांट टू सी द दे कम एंड पार्टिसिपेट इन दिस द्रुपद फेस्टिवल। क्या बात, हरे कृष्ण। भाई बहुत एक्साइटेड है, ये तो बम्बई तो बड़ी जबरदस्त नगरी है और कला के लिए बहुत अच्छी है, और यहाँ पे अच्छा है कि जैसे द्रुपद महोत्सव हो रहा है और बड़े स्तर में हो रहा है, ये अच्छी बात है। वरना होता तो है, ऐसी बात नहीं, यहाँ पे द्रुपद नहीं हो रहा है, यहाँ पे द्रुपद ही कलाकार हैं, बड़े ही बहुत ही छुपे लके छपे जो है वो उसमें प्रोग्राम करते हैं, लेकिन ये बड़ा महोत्सव हो रहा है द्रुपद का, मुझे बड़ी खुशी है और बहुत एक्साइटेड हैं हम लोग सारे के सारे, पूरे देश में हम लोग बड़े खुश हैं द्रुपद के कलाकार के यहाँ पे जगह हो रही है। और उसके साथ ये भी बात है कि इस्कॉन में ये आयोजित हो रहा है और इसको कौन नहीं जानता, और हमारी मथुरा और वृंदावन के आसपास की ये शैली है, और स्वामी हरिदास जी की शैली है, तानसेन जी के गुरु जो रहे हैं यहाँ वहीं पे मथुरा वृंदावन में ही उनका निवास रहा है। अब उन्हीं की कला जो है जगत में, पूरी जगत में तो फैली है, लेकिन बॉम्बे में ज़रा कम इधर यहाँ पे आ रही है, तो लेकिन अब हमें यकीन है कि ये शुरुआत है कि यहाँ पे
आयोजन होते रहेंगे और इस्कॉन को भी मैं यही मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज़ इसको सपोर्ट करें और भी बॉम्बे के जितने भी लोग हैं उन सपोर्ट करें कि द्रुपद महोत्सव यहाँ पे होता है। दुखी तो दुखी होना जरूरी है, दुखी हम जरूर है लेकिन हम आशावादी भी हैं क्योंकि पहले तो फिल्मी सॉन्ग होते थे अब बॉलीवुड सॉन्ग हो गए हैं। अब उसको पहले हॉलीवुड की तरह जो है बॉलीवुड कर लिया, कोई और टॉलीवुड कर ले, कोई लॉलीवुड कर ले, यही करे जा रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि ये संगीत में लेकिन अभी भी किसी हल्का सा राग का छींटा आ जाता है आपके ये प्रचलित गीतों में तो वो अमर हो जाता है। तो राग कोई इतना मामूली चीज़ नहीं है, आप लोगों को सुनना चाहिए और मैं ज़रूर हम लोग ज़रूर भयभीत हैं कि ये ज़रूर ये बहुत जारी है लेकिन ये कला जाएगी नहीं। अगर एक भी अगर करेगा तो वो ज़रूर बरकरार रहेगी और इतनी दूर नहीं है जितनी लोगों ने जहन से दूर की हुई है। जहन से आप लोगों ने हम बहुत से लोगों ने दूर की हुई है कि क्लासिकल नहीं समझ आएगा। क्लासिकल का मतलब होता है रिफाइनमेंट, क्लासिकल का मतलब कैटेगराइजेशन और वो ऑथेंटिसिटी तो ज़रूर है लेकिन उसका मतलब होता है रिफाइनमेंट। एनी सब्जेक्ट इज क्लासिकल एक्ट जो हम सब में एग्जिस्ट करती है। आप 10+2 में जब आप जाते हैं तो यू सेलेक्ट योर पार्ट, 3+3 में जाते हैं यू गेट इनटू क्लासिकल एक्ट इन योर सेलेक्टेड सब्जेक्ट, और 2+2 करते हैं, 3+3 करते हैं, 5+5 करते हैं, जितना भी आप पढ़ते चले आते हैं तो यही पतली लकीरें जो हैं जिनको समझ आती है उनको सब कुछ समझ आता है कि इसके अंदर क्या क्या कहाँ पर आप लुड़केंगे, कहाँ पर आप उभरेंगे, कहाँ पर क्या होगा। लेकिन हमारे लिए तो पतली सी लकीरें हैं तो ये इन पतली लकीरों को चौड़े करने का मतलब क्लासिकल है, उसकी समझ आपकी समझ बढ़ाना और समझ भी फिर आप जिस तरीके से अगर मान ऐसे हों तो उन्हीं शब्दों से किसी को खुश करते हैं, उन्हीं शब्दों से किसी को नाराज कर सकते हैं। आप आ गए और आप आ गए, तो इसी तरीके से हम रिपीट करते हैं मानस हूँ तो वही रजखान, मानस हूँ तो वही रजखान, मानस हूँ तो वही रजखान, वही रजखान, वही रजखान, मानस हूँ तो वही रजखान, वजू की जो लगाओ जो पशु हो तो कहाँ बच गए, जो पशु हूँ तो कहाँ बच गए, जो पशु हूँ तो कहाँ बच गए। अब यही है इसको अलग अलग तरीके से प्रस्तुतिकरण हो रहा है। हम लोग सोचते हैं मोनोटोनस, मोनोटोनस नहीं है। आपको कुछ चीज़ पसंद आती है तो आप उसको अलग अलग तरीके से करने की कोशिश करते हैं। आप भी एक तरीके से नहीं करते, हम भी एक तरीके से करते रहेंगे, हम भी उसको अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं तो उसको प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो क्लासिकल दूर इतना नहीं है जितना दिमागों से दूर किया हुआ है और यूथ में इतना दूर नहीं है। यूथ को जो प्रोवाइड करने वाले हैं उनको ज़्यादा बड़ा एग्जाम है, जो ऐप्स क्रिएट करके जो यूथ को दे रहे हैं उनके ऊपर ज़्यादा बड़ा एग्जाम। और इसी के साथ जो है सिर्फ दूरदर्शन का ही सिर्फ ये काम नहीं हो जाता, प्लीज़ मेरे ख्याल से कुछ और प्राइवेट चैनल्स को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए क्लासिकल म्यूज़िक को फैलाने के लिए। कुछ तो प्रस्तुति रखे ना, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम आप लोग रखते हैं, आप 6-6, 7-7 महीने तक जो है एक वो बच्चे छोटे छोटे सेलिब्रिटी बन जाते हैं छोटे छोटे बच्चे, तो इतने बूढ़े बूढ़े लोग जो है जो एक विधाओं कुछ विधाओं को संभाल के रखे हुए उनको भी दिखाइए साहब आप प्लीज़, तो उनको भी आप उनको महत्व दीजिए कि आप लोग किस वजह से भारत आगे टिका हुआ है। सब गुप्त और सब प्रकट, सिर्फ फ्रंट लाइनर्स की वजह से देश नहीं चलता है, सिर्फ फ्रंट लाइनर्स की वजह से हमारा भारत आगे नहीं है। बहुत से ऐसे गुप्त लोग हैं जो कुछ इतना सब कुछ काम कर रहे हैं, उनकी वजह से ही भारत इतना प्रचलित है, इतना प्रखंड है, इतना अखंड है, ये वजह है। तो आप लोग प्लीज़ इनिशिएटिव लीजिए, कुछ ऐसी कलाओं को आप महत्व दीजिए, क्लासिकल म्यूजिशियंस को भी आप लोग प्राइवेट चैनल्स में दिखाइए, उनका भी कार्यक्रम करवाइए तो बहुत अच्छा रहेगा। सिर्फ मैं मुझे फिल्म सॉन्ग मैं भी सुनता हूँ, कोई भी नहीं ऐसी बात नहीं कि मुझे फिल्म सॉन्ग नहीं अच्छे लगते या गज़ल नहीं अच्छी लगती। हाँ ठीक है भैया, मैं वो जो हिप हॉप जो है वो शायद नहीं ले पाता हूँ, लेकिन अगर लय के मतलब लय की वो उसको अलग अलग तरीके से वो करने का अगर हमारी हमारा कंसर्ट सुनेंगे तो उसके अंदर भी आपको ये चीज़ें दिखेंगी कि हम लोग किस तरीके से हम लय को उत्तेजित कर देते हैं और उत्तेजित हम किस तरीके से करते थे उसी लय को हम कैसे शांत कर देते हैं। तो ये क्लासिकल है। सर, आप
हमें तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि प्रसुद्धन जी हमारे बीच में हैं और जनरेशन इन जनरेशन से ये कला इनके परिवार से जो है वो जुड़ी हुई है। द्रुपद इनके परिवार से जनरेशन जनरेशन से जुड़ी हुई है, बीसवीं पीढ़ी ये। तो ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हम हमारा आतिथ्य इन्होंने स्वीकार किया है और ये यहाँ आए हैं, तो इससे द्रुपद महोत्सव को और आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिली। मैं एक फिल्म मेकर हूँ और मैंने तकरीबन 5 फिल्में बनाई हैं और हमारी फैमिली में 32 फिल्म्स बनी हैं। रिजवी फैमिली बहुत मशहूर फैमिली इंडस्ट्री की, तो हम लोग फिल्म लाइन से जुड़े हैं। लेकिन मेरी रुचि इस कला के क्षेत्र में, सिंगिंग कला के क्षेत्र में और ये पक्के गानों में शुरू से रही है, हमारे फादर की भी रही है। और पंडित जी को मैं बहुत तकरीबन 20 साल से जानता हूँ और पंडित सुखदेव चतुर्वेदी जी, उनका एक बहुत पुराना ये सपना था कि वो कुछ ऐसा करें कि जिस जो ध्रुपद संगीत को वो आगे बढ़ाएं। तो उन्होंने बहुत मेहनत की है और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। और जिस तरीके से उन्होंने ये इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है, बहुत ही कामयाब है, बहुत सक्सेसफुल है और इसको वो हर साल अच्छे से करते रहें, ये मेरी शुभकामनाएं उनके लिए। देखिए, आज भी कुछ ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जो कि इस संगीत को, जो हमारा शास्त्रीय संगीत है, जो हमारा संगीत पुराना संगीत है, उसकी अहमियत जानता है। ख़ास करके संजय लीला भंसाली जी, वो कोशिश करते हैं कि वो एमलगमेट करें पुराने म्यूज़िक को नए म्यूज़िक के साथ। और ऐसा नहीं है, लोगों को बहुत जो है वो अच्छा लगता है, सूदिंग लगता है और धीरे धीरे लोग सुनेंगे, ऐसा नहीं है, सुनेंगे। और आजकल जो गाने चल रहे हैं, चाहे वो अरिजीत के हों, किसी के भी हों, तो वो अब क्लासिकल मोड में आ गए हैं थोड़े थोड़े, और उसमें वेस्टर्न पॉप थोड़ा ख़त्म होता जा रहा है, वह कम होता जा रहा है। मैंने सुरेश भाई चतुर्वेदी के प्रोडक्शन हाउस से एक फिल्म बनाई थी, आशिक है तो दिलबर को पहचान, उसमें सिद्धार्थ कोइराला को मैंने लॉन्च किया था मयूरी कांगड़े के साथ। और वो मेरे करीब इसलिए फिल्म है क्योंकि वो बहुत अच्छी फिल्म बनी थी और लोगों ने इसे बहुत पसंद किया था। मेरी अभी एक फिल्म कम्प्लीट हुई है जिसका नाम है ब्रेकअप और ये बहुत जल्दी 6-8 हफ्तों में रिलीज़ हो जाएगी और इसका म्यूज़िक भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, प्रॉब्ली एक आध हफ्ते के अंदर। वेरी सक्सेसफुल, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड और ऐसे प्रोग्राम्स होते रहें और कला के क्षेत्र को लोग आगे बढ़ाते रहें। इसी तरह सुखदेव चतुर्वेदी जी जिस तरीके से एक इनिशिएटिव लेकर के उन्होंने किया इस बात, थैंक यू सो मच। जी बचपन में ऑब्वियसली क्लासिकल ही था क्योंकि आई एम ट्रेंड इन भरतनाट्यम और मैंने थोड़ा कथक भी किया है, बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती है यू नो थोड़ा ट्रांजिशन होता है। सो या नाउ अभी मैं थोड़ा सा यू नो इंग्लिश म्यूजिक के तरफ हूँ, आई लव बॉलीवुड ऑल्सो एंड इट्स अ ग्रेट थिंग के आज यू नो इट्स अबाउट इंडियन क्लासिकल, अबाउट इंडियन म्यूजिक, सो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म के अभी ये प्रमोट किया जा रहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस और मैं अंदर जाके देखूंगी, आई एम श्योर वी आर गोइंग टू हैव फन। मैं ये बहुत ही प्राचीन काल म्यूज़िक है और म्यूज़िक से मैं बचपन से जुड़ी हुई हूँ। मेरे आई एम कमिंग फ्रॉम माई नाना जी वॉज अ साइलेंट फिल्म मेकर विट्ठल दास पांचोटिया जी, सो वो एंसेस्ट्रल है, वी आर कैरिंग फॉरवर्ड दैट पर्टिकुलर थिंग। एंड मुझे अभी अखिल जी ने बताया कि तानसेन के वहाँ से, जहाँ से म्यूज़िक का जन्म हुआ था, वहाँ से बहुत बड़े बड़े दिग्गज कलाकार अंदर आए हुए हैं। तो वी आर ग्लैड कि मैं यहाँ पे इस्कॉन के दर्शन हर सैटरडे को करने आती ही हूँ
तो अखिल जी ने बोला कि यहाँ पे आप जाके देख लीजिए, सुन लीजिए. तो इट्स एन ऑनर. म्यूजिक इज़ माई लव, माई पैशन. आई प्रे आई हैव लर्न भरतनाट्यम इन चाइल्डहुड, सो दिस विल बी अनदर प्रिविलेज टू शेयर अ डिवाइन थिंग टू फॉर माई ईयर्स. इंडस्ट्री में अपना एक अलग अलग गानों के लिए म्यूजिक भी जाना जाता है, लेकिन जब हम बात करते हैं क्लासिकल म्यूजिक की तो सभी बहुत लोग उसे सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पाती है. लेकिन बात में ज़्यादा होती है, लोग करते नहीं. सुखदेव जी ने इसका इनिशिएटिव लिया है, तो उनको आप किस तरीके से उनको इस जो उन्होंने उत्साह दिखाया है, जो उन्होंने एक आगाज किया है, तो उसको आप कैसे सपोर्ट, आप क्या कहेंगे इंडस्ट्री को, किस तरीके से ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं? मैं छोटी सी एक ही लाइन कहना चाहूँगी कि आज की तारीख में क्या हो रहा है पता है, सबका सब कुछ रिमिक्स हो रहा है, कुछ भी ओरिजिनल नहीं है. किसी के पास में ओरिजिनल क्रिएटिविटी फाउंटेन नहीं है, सारी की सारी ओरिजिनलिटी है रूट्स में. जब तक आप अपने रूट्स में, आप अपने मूल तक नहीं पहुंचोगे, आप ऊपर ग्रो नहीं कर सकते. तो ये जो कुछ भी कला है और जो कुछ भी परफॉर्मर्स है और हमारे जो बड़े दिग्गज सिंगर्स हैं जो सीख के आ रहे हैं, अगर इनको आगे प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा, इनको आगे नहीं लाया जाएगा, तो हमारे रूट्स ख़त्म हो जाएंगे. अगर रूट्स ख़त्म हो जाएंगे तो आगे की जनरेशन क्या करेगी? दे कांट डू एनीथिंग. सो हमको हमारे रूट्स को पकड़ के ही, हमारे संगीत को पकड़ के, हमारे कल्चर को, संस्कृति को पकड़ के ही आगे चलना पड़ेगा. देर इज़ नो अदर वे, देर इज़ ओनली दिस वे. एंड इस्कॉन इज़ डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल कि हम एक छोटा सा गीता का ज्ञान भी यहाँ पे सैटरडे के सैटरडे सुनाते हैं और इतने प्यार से समझाते हैं, क्योंकि आजकल की जो ट्रेंड है, जो लोग हैं, जो जनरेशन है, जो स्मार्टफोन वाली है, इनको कुछ समझ में आता नहीं है. सो इनको समझाने के लिए है ना एकदम बेसिक जाना पड़ता है, एकदम बेसिक स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है. ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय. तो संस्कृत का तो इनको स समझ में नहीं आएगा, पर इनको इनकी लैंग्वेज में समझाना पड़ता है जो व्हाट्सएप वाली होती है. तो बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं. मैं चाहूँगी कि ये सैटरडे के सैटरडे जिसको भी, जब भी फ्री है, जो ज्ञान है वो फ्री है, खाना है वो फ्री है, दर्शन है वो फ्री है, प्लीज़ इतना फ्री कहीं नहीं मिलता है, प्लीज़ फ्री यूज़ करो. जी यहाँ पे हमारे डायरेक्टर्स हैं, जैसे सज्जन लबन सर, वो यू नो उन्होंने थोड़ा रिटेन किया है. और अगर फिल्में वैसे बन रही है और म्यूज़िक की वैसे रिक्वायरमेंट है, तो आई एम श्योर सपोर्ट तो होगा ही. आई डोंट से कि ख़त्म हो चुका है, कम ऑन यू नो दिस जनरेशन ख़त्म हो चुका है मेरी जान. आई नो बट डायरेक्टर्स है जो यू नो दे रिटेन इंडियन क्लासिकल. दे आर. सो आई डोंट से व्हाट्सएप, डोंट से ऑल दैट. बट येस यू नो एक्चुअली you know, our country is full of culture, tradition. It is rich. We welcome other things also, and it's global. Yes. And please don't say internet is a curse or something. Internet is not curse. You know, सब कुछ global हो चुका है. सारी चीज़ें अभी, I'm sure के Hollywood में भी, you know, abroad में भी काफ़ी shows होते हैं. And काफ़ी movies है जहाँ पे Indian music भी play किया जाता है. I'll tell you one thing. Yeah. Anuji is like my guardian, my father. एंड इंटरनेशनल शोज अनूप जी आधे टाइम इंडिया में होते ही नहीं है. पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड दे वॉन्ट टू, अफ्रीका वगैरह सब जगह पे जाके शोज करके आए हैं. तो मुझे पता है कि हमारे रूट्स और हमारे कल्चर की कीमत बाहर देश में बहुत ज़्यादा है. सो सो आई तो लव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, और मैं तो चाहती हूँ कि वैसी फिल्में बने, सो दैट you know hame aur aur you know yes to know about the Indian मैं कहूंगी सुखदेव जी ने बहुत अच्छा काम किया है, उत्तम काम किया है. इस चीज को बनाए रखें, छोड़े नहीं, और हम और हमारे बाद की जनरेशन के लिए ये प्रिविलेज जिंदा रहे. आई थिंक मैं तो कहूँगी कि इट्स अ ग्रेट एफर्ट बाय मिस्टर सुखदेव के ऐसा प्रोग्राम रखा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरे लिए भी है कि मैं आके ऐसा शो देख रही हूँ. सो आई एम श्योर आई एम गोइंग टू एंजॉय एंड लव इट, एंड आई एम गोइंग टू ट्वीट ऑल्सो अबाउट दिस शो. थैंक यू. उसके लिए मैं सुखदेव चतुर्वेदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और मुझे बहुत ही खुशी हुई कि ये जो इस्कॉन हरे कृष्णा टेम्पल में इसके प्रांगण में ये सब हो रहा है. तो मुझे हृदय से
खुशी हो रही है जो ध्रुपद महोत्सव हो रहा है और मैं उनको शुभकामनाएं दे रहा हूँ। उम्मीद हमने सुना नहीं है कि इस महोत्सव में आपका बहुत बड़ा हाथ है, इनिशिएटिव शुरू कराने का आपने आपने एक बहुत बड़ा समर्थ दिखाया, बहुत बड़ी मेहनत दिखाई, तो कितना आप सपोर्ट करते हैं क्लासिकल म्यूजिक को, क्या याद जुड़ी आपको म्यूजिक के लिए? सुखदेव चतुर्वेदी साहब भारत के विलक्षण ध्रुपद साहब, उनकी कोशिश में हम सब बहुत सारे लोग पीछे, जिसमें आप भी हैं शान, इसका पी आर कर, और हमारी सभी शुभकामनाएं कि जिस मकसद से वो कर रहे हैं वो हर साल बहुत अच्छा काम आगे बढ़ रहा है। भूमिका लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आप, क्योंकि बहुत बड़ी म्यूजिक इंडस्ट्री है, वो अपने अपने हिसाब से म्यूजिक बनाती है, लेकिन क्लासिकल म्यूजिक को कोई नहीं पूछता है, सिर्फ उसके इवेंट्स किए जाते हैं, सिर्फ उसके बारे में बात की जाती है, इतना उसे उसको इनिशिएटिव देने वाले बहुत कम, जैसे सुखदेव जी ने इनिशिएटिव दिया है, ऐसे बहुत कम लोग हैं। क्लासिक म्यूजिक जाने से थोड़ा सा जो आज मिस कर रहे हैं ना, मिठास जो कहते हैं कि 70-80 के जो मिठास, पुरानी जो मिठास थी, शायद वो क्लास न होने की वजह से ही मिठास गायब हुई है मुझे ऐसा। एनी फाइनल वर्ड्स फॉर द इवेंट? बस यही है, शुभकामनाएं है, और हम सब लोग जी जान से जुड़े और आपकी मेहनत रंग लाएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा सुखदेव चतुर्वेदी जी को। और बहुत सुंदर लगती हैं जो अपनी संस्कृति से जुड़ी हैं, और जिससे कि बढ़ावा मिले अपनी संस्कृति को, अपने धरोहर को, अपनी जो है खासियत, वो सब बहुत खूब हैं, इतनी ज़्यादा बेसिक हैं कि उससे सारे उपचार हो सकते हैं, सारी प्रसन्नता सुंदरता प्रकृति की जितनी भी है वो इन सब में समाहित है, तो उसकी इतनी गुणतम धरोहर है ये, तो ये इससे हम वंचित न रहें, इसकी कमी न बने, इसको कैसे हम प्रमोट कर सकें, कैसे इसका मतलब उत्साह बढ़ा सके सबका, जो इतना समय देते हैं और अपना जी जान लगा के इसके लिए कार्य कर रहे हैं, और अपने प्रभु जो सर्वो सर्वा है, पूर्ण प्रभु कृष्ण, उनकी धरोहर है ये, उनके लिए, उनकी भक्ति के लिए, उन तक पहुंचने के लिए, जो अपना हर इंसान का उद्देश्य होता है कि हमारा अल्टीमेट ये है लक्ष्य कि हमें आनंद और सुख की प्राप्ति हो, तो ये इन सब में समाहित है, ये ध्रुपद उसका नीचे मतलब सबका बेस है, उसकी इतनी गहराइयाँ उसकी हैं कि उसको तक पहुँचना या उसके बारे में और कुछ ज़्यादा बोलना मेरे बस की बात नहीं है। सुखदेव जी, कैसे शुभकामना देना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है, और किस तरीके से आप अपनी फीलिंग्स को आप कहेंगे कि अच्छा है, किस तरीके से और बेहतर किया जाए, क्योंकि हर साल ये लोग सेलिब्रेट करते हैं ध्रुपद महोत्सव, और किस तरीके से और ज़्यादा प्रमोट कर पाएंगे, मतलब और इंडस्ट्री वाले जो लोग हैं, किस तरीके से आप ब्लेसिंग्स और क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही बोलूँगी कि ये कार्य जारी रखें, और सब आप हम उनके लोग के साथ हैं, उन्हें साथ देंगे हर तरह से, और ये चाहते हैं कि वो बताएं कि इवन स्वास्थ्य इससे हासिल होता है, आपकी हर बीमारी दूर हो सकती है, आप एक आनंदित और सुखमय जीवन पूर्णता से, बहुत कम चीज़ों से
को प्राप्त कर सकते हो, बहुत शांति में निरोग जीवन जो चाहते हैं वो सब आप इससे प्राप्त कर सकते हो। तो आप ये काम को बहुत बढ़ावा दें और हम आपके साथ हैं जरूर। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देता हूँ जो यहाँ के ऑर्गेनाइज़र हैं ध्रुपद समारोह के, पंडित सुखदेव चतुर्वेदी जी को, जो इतना बड़ा आयोजन इन्होंने बम्बई जैसे शहर में ध्रुपद का किया। और प्राचीन गायकी हमारी ध्रुपद भमार की जो शास्त्रीय संगीत की विधा है जो आज फिर दोबारा से रुझान में लोगों के में आई है, बीच में कुछ समय था कि कुछ दबी थी, तो उत्साह है काफ़ी और यहाँ आकर के अच्छा लग रहा है। और इस ये समय भी ऐसा है बरसात का जो कि मल्हार अंग के रागों का भी इसमें कलाकार अपना गायन प्रस्तुत करेंगे। किंतु सबसे अच्छी बात ये कि पंडित सुखदेव चतुर्वेदी जी ने ध्रुपद समारोह से एक विधा से नहीं बांध दिया उनको, मतलब है कि ये मल्हार अंग की रागनी सब तरीके के रागों का आयोजन यहाँ पर गायन और वादन के द्वारा अपनी प्रस्तुति सब कलाकार देंगे, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं, एक तो जो अपने शैली है ध्रुपद धमार की, इसमें रुझान व्यक्ति विशेष का अभी काफ़ी हुआ है और इस विधा को हम देखते हैं कि आगे आकर के इसका जो प्रचार प्रसार है बहुत ही आगे जाएगा। और इसमें हम सोचते हैं कि जो शास्त्रीय संगीत की जितनी ख्याल और उपशास्त्रीय संगीत ठुमरी दादरा वगैरह पर श्रोताओं का रुझान ज़्यादा रहता है, तो अब हम श्रोताओं का रुझान भी देख रहे हैं कि ध्रुपद के लिए उनका रुझान बहुत ही अच्छा है, ऑडियंस आता है, ध्रुपद को बहुत लायक करता है। और हमारे भारत में ही नहीं विदेशों में विदेशी तो बहुत ही ज़्यादा ध्रुपद के लिए ये उत्साहित रहते हैं सुनने के लिए। तो अपनी अलग अलग विधाओं के कलाकारों को यहाँ पर आमंत्रित किया है, तो श्रोताओं को मैं सोचता हूँ कि बड़ा ही आनंद मिलेगा। कई घरानों की गायकी ध्रुपद में है, हमारे डागर घराने की गायकी के डागर घराने के कलाकार हैं और अपने मलिक घराना जिसको दरभंगा घराने के नाम से जानते हैं, तो प्रख्यात कलाकार यहाँ पे आ रहे हैं दरभंगा घराने के भी। तो मैं सोचता हूँ कि ये समारोह एक बहुत ही विशाल रूप में और बड़ा ही उत्साह पूर्वक यह हमारा समारोह संपन्न होगा। आज तो इसकी शुरुआत है, आरंभ है इसका, और श्रोता भी मतलब इसमें सोचता हूँ मैं कि इसमें बड़े आनंद से शैली का भाव विभोर होकर के और यहाँ हरे कृष्ण मंदिर में सोचता हूँ कि देख करके इनको बड़ा ही आनंदित मैं देख रहा हूँ, तो अच्छा है इसका जो प्रचार प्रसार है। जी हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें पूरा इसके लिए सपोर्ट करे और हम जैसे दो दिन का करते हैं ये सम्मेलन, आपके दो दिन का किया, अगली बार हम चार दिन का करें ताकि हमें गवर्नमेंट से जो है इसके लिए सब स्पॉन्सर वगैरह मिले और हम इस चीज़ को और आगे बढ़ाएं। ये हम सोचते हैं और जो मुझे खुशी है आज मैं उस खुशी को जाहिर नहीं कर सकता हूँ कि आज सब इतना बड़ा, क्योंकि ध्रुपद का जो प्रोग्राम हो रहा है ये तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा उत्सव है। नहीं, हम उनसे बहुत खुश हैं और वो हमेशा जो है चाहे वो फिल्म संगीत में कर रहे हैं चाहे कुछ भी, लेकिन वो अपने गुरु को पूरा सम्मान देते हैं, हमें सम्मान देते हैं, इस बात से हम पूरे खुश हैं। और संगीत तो संगीत है ना,
कोई फिल्म संगीत कर रहा है, कोई जो है शास्त्रीय संगीत कर रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और हम इसके लिए आगे गुरुकुल भी खोलना चाहेंगे, हम ध्रुपद के जो है स्टूडेंट आगे और तैयार करने के लिए, वो सब चीज़ें। सबसे पहले तो सुखदेव जी को मैं बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि ध्रुपद जैसी परंपरा को आज भी इतने मतलब इस समारोह में इतने कमर्शियल इतने मतलब बड़े रूप में कर रहे हैं, वो तो तहे दिल से मतलब बधाई के पात्र हैं। और भारतीय संगीत की ध्रुपद मतलब विरासत है और एक ऐसी संगीत एक ऐसी चीज़ जहाँ से मतलब उसकी शुरुआत होती है। अगर आप क्लासिकल भी गाना चाहते हैं तो ध्रुपद से उसके बगैर आप क्लासिकल भी नहीं सीख सकते हैं, उसके बगैर कहीं से फिल्म संगीत का या संगीत का मैं कहूँ या म्यूज़िक का कहूँ तो मतलब एक आविष्कार नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं बहुत पूरे ग्रुप का पूरे जितने लोग जुड़े हुए हैं इस संस्था से सहित तहे दिल से सुखदेव जी बहुत बहुत शुक्रिया के मतलब बहुत बहुत मेरे तरफ से मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। अब पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। मुझे लगता है कि बॉलीवुड एक अलग विधा है और ध्रुपद शास्त्रीय संगीत एक अलग विधा है, इसकी ऑडियंस अलग है, बॉलीवुड की ऑडियंस अलग है, लेकिन रह गई बात प्रमोट करने के लिए, बिल्कुल प्रमोट करना है। इस विधा से ही पूरी म्यूज़िक का पूरे मतलब सृष्टि का पूरे मतलब भारतीयता का मतलब एहसास होता है कि हम भारतीय हैं, हम भारतवर्ष में रहते हैं इस संगीत से इस एहसास से। तो बहुत मतलब ये है, मुझे लगता है कि जो थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं जो जिस तरह से सुखदेव जी प्रमोट कर रहे हैं, जिस तरह से बुला रहे हैं, जिस तरह से हम लोगों को मतलब इनवाइट किया है, तो मतलब पहली बात मैंने कहा जब मुझे बुलाया गया मिलने के लिए, जब मैं उनसे थोड़ा सा बैठा था उनकी बेटी से उनकी पत्नी से, और सर जी हैं देखिए आ गए, तो मैं सर से कहा कि सर मतलब इन्होंने कहा कि हम मिल तो गए हैं मतलब थोड़ा लेट मिले, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि आपको बुला करके अपने शो में बुला करके और अगले हफ्ते ही मैंने सर को मतलब आमंत्रित किया हूँ कि मतलब पूरी तरह से मतलब भारतवर्ष में विदेश में पूरी दुनिया में इसका हम मतलब संचार करेंगे। हमें इतनी खुशी है कि आज जैसे कहते हैं ना कि प्यासे को यदि पानी मिल जाए तो कैसा लगता है, ऐसे ही आज हमको इतना आनंद हो रहा है कि ये ध्रुपद जो इतने कलाकार आए। और जब मैं गजेंद्र सिंह जी से मिला तो मेरा इतना हौसला बढ़ गया और मेरा मन इतना गदगद हो गया कि बिल्कुल कि ऐसे लोग भी हैं जो हमारे लिए बोले अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं तो इन कलाकारों को प्रमोट करने के लिए बिल्कुल आप बोलिए, तो इनका मैं किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूँ। ये बहुत ही खुशी की बात है। गजेंद्र जी के बारे में तो सारा जहां जानता है कि उन्होंने किस तरह से प्रमोट किया है, बड़े अच्छे अच्छे कार्यक्रम मतलब जो है उन्होंने प्रमोट किए हैं, और आज ध्रुपद पे इनका अगर ध्यान गया है तो हमको लगता है कि कार्यक्रम बहुत लंबा जाएगा, इसका आगाज ऐसा है तो अंजाम भगवान की कृपा से बहुत ही सुंदर होगा। ऐसे लोगों का सहयोग अगर मिलेगा तो ध्रुपद जैसी जो प्राचीन विधा है उसको हम लोग आगे बढ़ाने में भगवान की कृपा से ज़रूर सफल होंगे, ऐसे लोगों का साथ अगर हमको मिलता रहेगा तो। आप अगले सप्ताह ही देखेंगे, अगले सप्ताह ही सुखदेव जी को मैं बहुत मतलब इस शो में आने के पहले मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया, इनसे प्रार्थना किया कि सुखदेव जी आप जैसे महान हस्ती आप जैसे महान कलाकार इस शो में आएंगे तो हमारे लिए एक और गौरव की बात बढ़ जाएगी, और जिससे कलाकार सीखेंगे इनसे कुछ बातें सुनेंगे, तो ये संगीत और ध्रुपद ऐसी कुछ विधाएँ हैं जो भारतीय संगीत को भारतीय फिल्म संगीत को एक और कहीं मुकाम पर लेके जाते खड़ी करती हैं। तो सर रियली जेन्युइनली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू सर, थैंक यू। मुझे लगता है कि सर इतने बड़े कलाकार इतने बड़े व्यक्ति हम जैसे तुच्छ लोगों को भी इतना सम्मान देते हैं,
हम जैसे लोगों को बुला कर कितना सम्मान दिया सुखदेव जी ने, तो हम बधाई के मतलब क्या बताऊँ, किस शब्दों में इनका धन्यवाद करूँ। और मैं तो धन्य हो गया, आज इतना शो करके धन्य नहीं हुआ जितना आज यहाँ पे आकर के धन्य हो गया। तो मतलब ये सर का पूरा पूरा मतलब इतने बड़े बड़े कलाकारों के बीच में ला करके खड़ा किया। आपकी मानता है जी जी, आप जितने बड़े हैं वही कह दी ना, हैं एक सागर कितनी नदियों को समा लेता है, आप सागर की तरह हैं। आपके क्या कहने हैं, हम तो बस यही शुभकामना देते हैं भगवान ये अपने चैनल के माध्यम से ऐसे ही, अभी इन्होंने माटी के लाल कितने अच्छी अच्छी संस्कृति और कितने अच्छे अच्छे टैलेंटों को लाए, तो ऐसे ही आगे खूब ऐसे कार्यक्रम करते रहें, हम लोगों को खूब मौका मिलता रहे। हम जी शुभकामना, थैंक यू। ये जो ध्रुपद उत्सव जो हो रहा है, ये सुखदेव जी ने, पंडित सुखदेव चतुर्वेदी जी ने जो ये स्टेप उठाया, ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये हमारी बहुत पुरानी धरोहर है जिसको लेकर के चल रहे हैं, इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। इनकी कोशिश बहुत अच्छी है और हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं कि इनको कामयाबी मिले और संगीत का प्रचार हो। और ध्रुपद सबसे पुराना हमारा जो शास्त्रीय संगीत का है, ध्रुव पद मतलब कि जो अटल पद है वो ध्रुपद है। ध्रुपद के बाद में फिर ख्याल गायकी आई, तो ये हज़ारों साल से ये है और ये इस परंपरा को, ये मैं बहुत इनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये सब शुरू किया, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि खूब अच्छा हो इनका। जी जी, रमेश जी से हमारा बहुत पुराना ताल्लुक है और ये इतने अच्छे इंसान, इतने अच्छे कलाकार हैं कि बस सबको एकदम इनक्रेज करते हैं। मैं इनसे बस यही कामना करता हूँ कि हमारे ऊपर इसी तरह से इनका स्नेह बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे भाई हैं। देखिए, पहले भी एक एक्साइटमेंट था कि एक महोत्सव होने जा रहा है, अच्छे ऑडियंसेस होंगे, गुणवान लोग होंगे, तो वहाँ अपनी आर्ट पेश करना है, तो ये एक चुनौती होती है महिलाओं के लिए। ध्रुपद बहुत गायकी बहुत कठिन है, और जो महिला हैं देश में है ही नहीं, बहुत दुर्लभ हैं। मेरा सौभाग्य है कि मेरे गुरु पंडित लक्ष्मण भट्ट तालंग जी जो मेरे गुरु हैं, पापा भी हैं, तो मैं चाहती थी कि उनके, उन्होंने जो मुझे एकांत साधना कराई है ज़िंदगी भर, मेरे ऊपर ज़िंदगी लगाई है, उसकी खुशबू मैं फैलाऊँ, तो उसके लिए मैं आई हूँ यहाँ पर। और मैं भक्ति कला संस्थान को बहुत बहुत अपनी तरफ से बधाई और साधुवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत ही ग्रेट वर्क किया है ध्रुपद के लिए, उसको एक महोत्सव का रूप देना, उसके लिए इतने विराट प्रयास करना, ये बहुत काम सरल नहीं है। जो सुखदेव जी ने जो हैं, खुद भी अच्छे गायक हैं ध्रुपद के, उन्होंने ये काम किया है। एक कलाकार होना और एक आयोजक होना है, ये एक दुर्लभ संयोग है। उन्होंने ये दोनों ही बखूबी करके दिखाए, और गाने के बाद भी एक अलग आनंद है, क्योंकि ध्रुपद देखिए ऑडियंसिस के लिए आज के ज़माने में माना जा रहा है, परंतु हम लोग ध्रुपद को मूलतः हरिदास जी की जो परंपरा थी कि भगवान की आराधना, तो मैं उसको भगवान की आराधना ही मानती हूँ। मैंने अपने लिए ही भगवान की स्तुति के लिए गाया है, और इस्कॉन के मंदिर में आकर यहाँ एक अलग माहौल भी है, उस तरह का माहौल है, तो लौ लगाई प्रभु से, और मुझे आनंद भी आया है यहाँ गा करके। ऑडियंसिस भी अच्छी है, तो उसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिल रहा था, तो कुल मिला के मुझे बहुत आनंद आया। जो आध्यात्मिक आनंद है वो अपने एक अलग प्रकार का आनंद है। बात ऐसा, एक ध्रुपद महोत्सव देखा कि जहाँ हर चीज़ बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हो, तो आई थिंक इट्स क्वाइट अ बिग प्लस पॉइंट सबसे पहले। और मेरे ख्याल से जिस हिसाब से हुआ है तो हर साल होगा, और हम लोग, मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके ये चीज़ पकड़ने वाली है, क्योंकि सभी लगे हुए हैं प्रयास में। सुखदेव जी का तो बड़ा उन्होंने काफ़ी जोर लगा कि इस चीज़ को किया है, मुझे पता है कि कैसे कितना मुश्किल होता है इसको ऑर्गेनाइज़ करना, और बड़ी खुशी है मतलब कि, और मुझे बहुत एक अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्यूचर दिख रहा है उसमें ध्रुपद महोत्सव में। ज़्यादा मिस थी, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से थोड़ा फ़र्क तो आ गया है इंटरनेट के वजह से और यूट्यूब के वजह से, और बहुत से चैनल्स हैं और बहुत से ऑर्गेनाइजेशन जो अपना वीडियो डालते रहते हैं, तो 80s में थोड़ा एक ऐसे था, लेकिन इस समय मुझे लगता है कि अभी
मेरे अपने पास शायद 20 साल के बाद कुछ 4 स्टूडेंट सीखने के लिए आए, वीणा सीखने के लिए आए, तो वीणा अक्सर सीखने के लिए कोई आता नहीं है, तो आई थिंक ये बहुत पॉजिटिव। और ध्रुपद में भी गायन में बहुत से स्टूडेंट्स आजकल सुन के सीखने के लिए आगे आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ही भविष्य बहुत ही अभी तो बहुत पॉजिटिव है। बस हमें सिर्फ देखना है कि 10-20 साल में आगे चल के ये बच्चे क्या करते। सुखदेव जी तो बड़े भाई है तो मैं तो ब्लेसिंग्स नहीं दे सकता, लेकिन मैं निजी तौर पे बहुत खुश हूँ कि उन्होंने इस तरह से इस चीज़ का आयोजन किया। और वो तो मतलब कहने की बात तो नहीं है, लेकिन दिख ही रहा है कि ये आगे ध्रुपद समारोह अभी और बढ़ेगा, क्योंकि जो निष्ठा से, जो श्रद्धा से वो उसमें उन्होंने प्रवेश किया है वो दिख ही रहा है, उनके चेहरे पे दिख रहा है। तो बस सिर्फ शुभकामनाएं कह सकता हूँ, और मैं बाकी के ध्रुपद आर्टिस्टों को कहूँगा कि आगे आके उनको पूरी तौर से मदद करें, क्योंकि एक अच्छा ध्रुपद समारोह का आयोजन हो रहा है अभी मुंबई में। हम कर सकते हैं, हम जितना करते हैं फेस्टिवल करते हैं हम भी, और उसके अलावा आर्टिस्ट को, यंग आर्टिस्ट उनको सुन के ये भी करते हैं कि उनको वहाँ पर यहाँ रिकमेंड करो, वहाँ का रिकमेंड करो। काफ़ी आर्टिस्ट ऐसे करते हैं आजकल, मैं भी वही करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि देखिए बड़े लोग तो बड़े लोग हैं, लेकिन नई पीढ़ी अगर नहीं आएगी तो फिर आगे चल के ये परंपरा नहीं रहेगी। तो मेरा प्रयास, मैं ढूंढता रहता हूँ कि कोई नया आ जाए, उसको यहाँ ले जाओ। ध्रुपद के अलावा दूसरे भी जो फेस्टिवल्स होते हैं उनमें भी उनको लोग देखे सुने, तो उससे बहुत बहुत फ़र्क पड़ेगा ध्रुपद सीन में भी, मुझे लगता है।